गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी, और आज हिंदी में हम करेंगे वह और वे का प्रयोग। वह और वे का प्रयोग, वह हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब हम किसी एक इंसान के बारे में बात कर रहे हूँ, और वे हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हो। वह हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हम एक इंसान के बारे में या एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे कि वह कौन है, वह कौन है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने इंसान के बारे में बात हो रही है, एक। और अगर मैं कहूँ वे कौन है, तो वे कब आएगा, जब हम एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम अभी एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने कहा है वे कौन है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। डैश खेल रहे हैं, डैश खेल रहे हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पर वन बॉय है या फिर टू, यहाँ पर टू बॉयज हैं और वो खेल रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं। डैश भोजन कर रहा है, डैश भोजन कर रहा है। एक ही बच्चा है यहाँ पर, तो वह भोजन कर रहा है। वे भोजन कर रहा है तो वैसे भी रॉन्ग है, तो वह भोजन कर रहा है। डैश गले मिल रहे हैं, डैश गले मिल रहे हैं। कितने लोग गले मिल रहे हैं, दो लोग, क्योंकि अकेला इंसान तो गले मिल ही नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, वे गले मिल रहे हैं। यहाँ पर दो लोग हैं, एक माँ है एक बेटा है, तो वे गले मिल रहे हैं। डैश भाग रहा है, डैश भाग रहा है। यहाँ पर कितने लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही इंसान की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वह भाग रहा है, वह भाग रहा है। डैश मेरी बहनी है, डैश मेरी बहनी है। कितनी बहनें हैं यहाँ पर, दो। एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो क्या आएगा, वे मेरी बहनी है, वे मेरी बहनी है, क्योंकि यहाँ पर दो बहनें हैं। और जब एक से ज्यादा इंसान होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो हम वे का प्रयोग करते हैं। मुझे डैश खिलौना चाहिए, मुझे डैश खिलौना चाहिए। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, जब
एक या फिर एक से ज्यादा लोग हो या कोई चीज हो तो हम कहते हैं वे, और जब एक इंसान हो या कोई एक चीज हो तो हम एक के लिए कहते हैं वह। तो यहाँ क्या आएगा? वह, मुझे वह खिलौना चाहिए, मुझे वह खिलौना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही खिलौने की बात हो रही है, तो आएगा वह। डैश मेरे दोस्त है, डैश मेरे दोस्त है। कितने दोस्त हैं? दो। तो यहाँ पर क्या आएगा? वह या फिर वे? वे, वे मेरे दोस्त हैं, वे मेरे दोस्त हैं। डैश अपना काम समय पर करता है, डैश अपना काम समय पर करता है। कितने लोगों की बात हो रही है यहाँ पर? एक, एक इंसान के बारे में बात हो रही है, एक बच्चे के बारे में बात हो रही है जो अपना सारा काम समय पर करता है। तो यहाँ पर वह आएगा या फिर वे? वह, वह अपना काम समय पर करता है, वह अपना काम समय पर करता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे कुछ रिक्त स्थान जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। वह और वे का प्रयोग सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद आपको ये सारे रिक्त स्थान अपनी नोटबुक में करने हैं। आपका काम बहुत ही अच्छा होना चाहिए, राइटिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।